ऐसा माना जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों का शिकार अगर कोई जानवर करता है तो वो है टाइगर और हाथी। लेकिन इंडिया के ही उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोगों को अगर कोई जानवर मारता है तो वो है तेंदुआ। उत्तराखंड में 15 सालों में आदमखोर तेंदुओं ने लगभग 400 लोगों का शिकार कर लिया। उन आदमखोर तेंदुओं में से एक तेंदुए का नाम था पुजारी, जिसने प्रसन्ना नाम की लड़की का शिकार किया था। उसने 2 साल में 15 लोगों की जान ले ली थी और 13 लोगों को घायल कर दिया था। इंसानों से डरने वाले तेंदुए आखिर क्यों उनके मन से इंसानों का डर निकल गया, क्यों वो इंसानों का ही शिकार करने लगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में और जानेंगे पुजारी नाम के तेंदुए के बारे में। अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक से पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। उत्तराखंड की ये खूबसूरत वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन इन्हीं खूबसूरत वादियों में हर कदम पर छिपी है मौत और उस मौत का नाम है तेंदुआ। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की खूबसूरती के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो खतरा छिपा हुआ है उस खतरे के बारे में बहुत कम लोग जानते है। यहाँ रहने वाले लोगों का और यहाँ जो घूमने आए उन लोगों का सामना इस खतरे से कभी भी हो सकता है। ये खतरा कभी भी किसी की भी जान ले सकता है और इस खतरे का नाम है आदमखोर तेंदुआ। उत्तराखंड के लोग इस खतरे के साए में ही अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें हर पल ये खौफ सताते रहता है कि कहीं उनके बच्चे इन आदमखोर तेंदुए का शिकार न बन जाए। वैसे माना जाता है कि इंडिया में लोग अगर सबसे ज्यादा किसी जानवर का शिकार बनते हैं तो वो है टाइगर और हाथी, लेकिन उत्तराखंड में लोग अगर सबसे ज्यादा किसी जानवर का शिकार बनते हैं तो वो है तेंदुआ। तेंदुए का शिकार बनने वाले लोग अक्सर दूर दराज के गांव वाले ही होते हैं, इसलिए उनकी मौत का जिक्र ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये खतरा केवल यहाँ रहने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है, ये खतरा उन लोगों पर भी मंडराते रहता है जो इन खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। साल 2000 से 2015 के बीच उत्तराखंड में जंगल के आसपास रहने वाले गांवों में लगभग 400 लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें से 241 लोगों को तेंदुओं ने अपना शिकार बनाया है। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, ऐसा भी हो सकता है कि मौतों का असली आंकड़ा इससे भी ज्यादा डराने वाला हो, क्योंकि कई मामलों की जानकारी तो प्रशासन तक पहुँच ही नहीं पाती। कई लोगों को तेंदुए मौत की नींद सुला देते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। उत्तराखंड में हर साल तेंदुए 25 से 30 लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं और घायल कितनों को करते हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। आज से 40 साल पहले 23 जनवरी 1977 की रात उत्तराखंड के दुगड्डा के मुनि पुजारी की रहने वाली 9 साल की प्रसन्ना नाम की लड़की को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया था। प्रसन्ना अपने घर की सीढ़ियों पर बैठी थी और उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका सामना मौत से होने वाला है। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में वहाँ तेंदुआ आया और उस बच्ची को अपने जबड़ों में जकड़कर घर से काफी दूर लेकर चला गया, जिसके बाद घर वालों ने प्रसन्ना को ढूंढना शुरू किया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो गई तो गई कहाँ। रात के अंधेरे में काफी तलाशने के बाद 2 किलोमीटर दूर उसकी डेड बॉडी मिली। इस हादसे के बाद इस तेंदुए को एक नाम मिला और वो नाम है पुजारी। पुजारी एक आदमखोर तेंदुआ था जिसने 2 साल में 15 लोगों को खत्म कर डाला था और 13 लोगों को घायल कर डाला था, जिसके बाद डॉक्टर अख्तर अली, जो कि दुगड्डा के ही रहने वाले थे और वे एक स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उन्होंने इस पुजारी नाम के आदमखोर तेंदुए पर एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम था दुगड्डा का आदमखोर। डॉक्टर अली ने बताया कि यह दुनिया का पहला आदमखोर तेंदुआ था जो जिंदा पकड़ा गया था। इसके बाद वाला किस्सा सुनकर आपको हंसी आ जाएगी या फिर आपको ये किस्सा किसी फिल्म का सीन लगेगा। जुलाई 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि लोग बहुत ज्यादा डरने लगे। जिम कॉर्बेट से गुजर रहे एक 30 साल के शख्स पर तेंदुए ने अचानक से हमला कर दिया। तेंदुए ने ये हमला क्यों किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस हमले के 3 दिन बाद एक तेंदुआ गन्ने के खेतों में छुपा हुआ मिला, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन अधिकारी ने भीड़ को हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस शख्स पर तेंदुए ने जानलेवा हमला किया था उस शख्स का चाचा
बच्चा भी इस भीड़ में मौजूद था। उसने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे एक डंडा लेकर तेंदुए से अपने भतीजे का बदला लेने चला गया, जिसके बाद उसने गन्ने के खेत में एक पत्थर फेंका ताकि तेंदुआ बाहर निकल सके और चाचा उस तेंदुए की धुलाई कर सके। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया। पत्थर फेंकने से तेंदुआ बाहर तो निकल गया, लेकिन यहाँ चाचा ने तेंदुए की नहीं बल्कि तेंदुए ने ही चाचा की धुलाई कर डाली और चाचा को बुरी तरह से जख्मी करके भाग गया। चाचा जी गए थे तेंदुए से बदला लेने, लेकिन यहाँ तेंदुए ने ही चाचा जी का हुलिया बदल डाला। 14 सितंबर 2014 को पौड़ी के बेंजोरी गांव में बिमला नाम की लड़की बच्चों के साथ अपने आंगन में खेल रही थी, तभी वहाँ एक तेंदुआ आया और उसने बिमला पर हमला कर दिया। लेकिन यहाँ बिमला ने हौसला दिखाया और उसने इस खूंखार तेंदुए का मुकाबला किया। काफी देर तक बिमला और तेंदुए के बीच जंग चलती रही। इतने में आसपास के लोग भी आ गए, जिसके चलते बिमला की जान बच गई। लेकिन बिमला ने जो हिम्मत दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ थी। पौड़ी जिले में ही एक गांव है जिसका नाम है जय गांव। इस गांव में लगभग 62 घर है जो पिछले 10 वर्षों से तेंदुओं का आतंक झेल रहे हैं। जय गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसने तेंदुए का आतंक ना झेला हो। जय गांव की ये दर्दनाक कहानियां हर किसी के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। एक बार की बात है जब एक तेंदुआ एक 8 साल के बच्चे को उसकी माँ की गोद से ही छीन कर ले गया था। उस बच्चे के दादाजी को अब तक विश्वास नहीं हुआ है कि उसके पोते को एक तेंदुआ उसकी ही माँ की गोद से छीन कर ले गया है। तेंदुआ बच्चे को आधे किलोमीटर दूर तक लेकर गया, जिसके बाद पूरे परिवार के सामने बच्चे को मारकर खा गया। जरा एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि उस परिवार पर क्या बीती होगी। उसके बाद घसते घसते कम से कम आधा मीटर करीब, आधा किलोमीटर करीब दूर ले गया, जाड़ी में छुपा के और ये चीज अलग करके जो उसने मांस पीसी थी वो सब खा के अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया। जय गांव में साल 2018 में करीब 100 परिवार रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 62 परिवार ही बचे हैं। यहाँ के एक तिहाई लोग या तो तेंदुए के शिकार बन गए या फिर तेंदुए के खौफ की वजह से गांव छोड़कर चले गए। वन विभाग आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन इससे इनके आतंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। लोगों के लिए खुला घूम रहा तेंदुआ जितनी बड़ी मुसीबत है, उससे बड़ी मुसीबत ये वन विभाग के लिए तब बन जाता है जब ये पकड़ में आता है, क्योंकि पकड़ में आने के बाद इन्हें रखने के लिए देश में जगह ही नहीं है। वैसे भी देश के चिड़ियाघरों में पहले से ही बहुत सारे तेंदुए रखे गए हैं। आमतौर पर आदमखोर तेंदुओं को मारने का काम सरकारी शिकारी का होता है। जब कभी भी कोई आदमखोर तेंदुआ इन शिकारी के हाथों मारा जाता है तब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती, क्योंकि तब तक दूसरा आदमखोर तेंदुआ उसकी जगह ले लेता है। कई बार ऐसा हुआ है जब कोई एक आदमखोर तेंदुआ मारा जाता है तो उसकी जगह बहुत से तेंदुए आतंक फैलाने आ जाते हैं। तेंदुओं के इस आतंक को रोकने के लिए वन विभाग ने लखपत सिंह रावत को तैनात किया है, जो कि एक शिकारी है। इन्होंने पिछले 10 सालों में 39 आदमखोर तेंदुओं और एक आदमखोर बाघ को मारा है। अगर लखपत सिंह उनका शिकार नहीं करता तो ये तेंदुए न जाने कितने ही लोगों को अपना शिकार बना लेते। तेंदुए अक्सर इंसानों से दूर भागते हैं, लेकिन पौड़ी में तेंदुओं के मन से इंसानों का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहाँ के तेंदुए इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते, और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उत्तराखंड में तेंदुओं का घर सिकुड़ता जा रहा है और इंसानों के घर फैलते जा रहे हैं। बाकी जानवरों के मुकाबले तेंदुए बदलते हालातों में अपने आप को तेजी से बदलता है। अगर इंसान जंगल में अपना गाँव बसाएंगे तो तेंदुए इंसानों का गाँव उजाड़ में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग का आदमखोर तेंदुआ नाम की किताब में जो लिखा है वो आज भी उत्तराखंड के आदमखोर तेंदुओं पर फिट बैठता है। जिम कॉर्बेट ने लिखा था, ये एक बूढ़ा तेंदुआ है, ऐसा तेंदुआ जिससे सब डरते रहे और नफरत करते रहे, लेकिन उसका जुर्म प्रकृति के कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि इंसानों के कानून के खिलाफ है। उसने इंसानों का खून बहाया इंसानों को डराने के लिए नहीं बल्कि खुद
जिंदा रहने के लिए। किसी भी आदमखोर तेंदुए को मारने का परमिट जब भी दिया जाता है तो उस आदमखोर तेंदुए के साथ साथ कुछ बेकसूर तेंदुए भी अपनी जान गवा देते हैं। देखा जाए तो इन तेंदुओं को आदमखोर बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही है। तो दोस्तों, नेचर की रक्षा करने वाले इस आर्मी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।